हेलो दोस्तों, अगर आप पासपोर्ट साइज फोटो बनाने का सबसे आसान तरीका खोज रहे हैं तो ये वीडियो आपके काम का है। दोस्तों, शुरू करने से पहले हम एक बात को अच्छी तरह से समझ लें कि हम किस पेपर साइज पे कितना फोटो सेट करना चाहते हैं, वो हमें पहले तय करना होता है। जैसे आज हम एग्जाम्पल के तौर पे 4:6 पेपर पे 8 फोटो कैसे सेट करना है ये हम देखेंगे। इसके लिए आप एडोब फोटोशॉप में एक फोटो को ओपन कर लीजिए। जैसे हम इस फोटो को अभी ओपन करते हैं, ये फोटो हम लोग का ओपन हो गया है। अब क्रॉप टूल सेलेक्ट करेंगे, क्रॉप टूल, विड्थ 3.5 और हाइट 4.5 सेंटीमीटर, रेजुलेशन 300, ये सेट कर लिए और क्रॉप करेंगे। जब हम लोग ऐसे करके क्रॉप करेंगे तो ये रिसाइज भी हो जाता है। अब हम लोग विंडो में क्लिक करेंगे और एक्शन ऑप्शन को चुनेंगे। इसमें न्यू का ऑप्शन मिलेगा। हम लोग नाम अभी पासपोर्ट साइज रखते हैं, आप अपने रिकॉर्डिंग के अनुसार नाम रखेंगे। और एक फंक्शन की चुनने का है, तो इसमें हम F2 के साथ शिफ्ट रखते हैं। आप शिफ्ट कंट्रोल या शिफ्ट या कंट्रोल जैसे रखना है इसको, आप रिकॉर्ड देखिए, यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑन हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग लेयर में आके इमेज का जो बैकग्राउंड लॉक है उसको डबल क्लिक करके हटा लेंगे। डबल क्लिक करके ओके कर देंगे तो ये हट जाएगा, देखिए लॉक हट गया है। अब इमेज में क्लिक करेंगे और कैनवास साइज अल्ट कंट्रोल सी, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट होता है, यहाँ पर हम लोग वेट पेपर का साइज यहाँ पे लेना है, यानी कि वेट 6 और हाइट 4। 4:6 पे हम लोग सेट कर रहे हैं इसलिए 4:6 ले लिए। अब मूव टूल से इसको हम लोग साइड करेंगे और साधारण कॉपी पेस्ट की मदद से हम लोग इसको 8 कॉपी बना लेंगे। इसके लिए मैं कीबोर्ड शॉर्टकट शिफ्ट अल्ट के साथ मूव बटन यूज किया हूँ। इतना करने के बाद हम लोग को रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देना है और इस फाइल को बिना सेव किए क्लोज करना है। क्लोज में आए और सेव नो। अब हम लोग उस फोटो को ओपन करेंगे जिस फोटो पे ये सारा कमांड ये एक्शन को अप्लाई करना है। जैसे डेमो के लिए मैंने एक फोटो बना के रखा है, इसको ओपन कर लेते हैं और इसमें जो भी एडिटिंग करना है उसको एडिट करके वही साइज में क्रॉप कर लेंगे जो साइज हम लोग रिकॉर्डिंग के वक्त में सेट किए थे, 3.5 सेंटीमीटर × 4.5 सेंटीमीटर, उस साइज में लेके इसको हम लोग क्रॉप कर लेंगे। यहाँ प्ले बटन जो हम लोग को दिखाई दे रहा है, इस प्ले बटन को क्लिक करेंगे या फिर कीबोर्ड से जो शॉर्टकट बनाए थे शिफ्ट F2 उसे अप्लाई करेंगे तो हमें इस तरह का आउटपुट मिल जाएगा।